नोट कर लिया है आपने? हाँ जी, कोई डाउट है? एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा मेरे साथ। ऑस्ट्रेलिया का, साउथ अफ्रीका का कोई कैप्टन बता दें कौन है? हाँ, साउथ अफ्रीका का कोई आसान सा नाम बता दो। डेविड मिलर। ठीक, क्वेश्चन लिखिएगा। डेविड मिलर एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैज बीन कमिंग टू इंडिया फॉर 100 days एवरी ईयर। डेविड मिलर एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैज बीन कमिंग टू इंडिया फॉर 100 days एवरी ईयर since 2003. David Miller, an Australian cricketer, has been coming to India for 100 days every year since 2003. Calculate his RS for AY 2022-23. Calculate his RS for AY 2022-23. राइट, इनका नाम है डेविड मिलर। जी, कैलकुलेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर डेविड मिलर फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22 में कितने दिन इंडिया में है बेटा? 100? यस और नो? 2019, 2018, 2019, 2017, 2018, 2016, 2017, 2015, 2016 में कितने दिन? हर साल कितने दिन हैं बच्चे? 100 days। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? जरा देखो, पहला मेरा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है जी? 21-22। पहली बेसिक कंडीशन पास या फेल? हाँ जी, अब नोट मत करो। पहली बेसिक कंडीशन पास या फेल? फेल। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या 60 एंड अबव है? यस और नो? यस। उससे पिछले 4 सालों में क्या 365 एंड अबव है? तो इसका मतलब ये पर्सन कौन हो गया? रेजिडेंट। सिर्फ रेजिडेंट नहीं होगा, या तो ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली अब फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली के लिए एडिशनल कंडीशंस होती हैं। पहली एडिशनल कहती है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ दीजिए, उससे पिछले 10 सालों में कोई 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए। इस ईयर का जब मैं कैलकुलेशन करूँगा, बताइए यहाँ पर पहला बेसिक पास या फेल, दूसरा बेसिक क्या यहाँ 60 एंड अबव है, इससे पिछले 4 सालों का सम 365 एंड अबव है, तो इसका मतलब इस साल में ये कौन हो गया? इस साल में भी सिमिलरली कौन होगा? कोई डाउट है?
हाँ या ना? और दूसरा एडिशनल कंडीशन कहता है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ दीजिए, उससे पिछले 7 सालों में, ये रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 सालों का सम कितना है? 700. दूसरी एडिशनल कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि वो कहती है 730 डेज एंड अबव इंडिया में होना चाहिए, पर ये कितने दिन इंडिया में है डेविड मिलर? 700. तो दूसरी एडिशनल फेल हो गई, तो इसका मतलब ये सिर्फ रेजिडेंट नहीं है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो गई ये पर्सन, और क्वेश्चन खत्म हो गया. समझ आई कहानी? हाँ जी, जो स्क्रीन क्लियर है? ग्रेट. हो गया क्रिश? हाँ जी अनुष्का, हो गया आपका? कृतिका, बी पार्ट लिखिएगा, व्हाट वुड बी द आंसर. बी पार्ट लिखिएगा, व्हाट वुड बी द आंसर इफ ही हैज बीन कमिंग टू, व्हाट वुड बी द आंसर इफ ही हैज बीन कमिंग टू इंडिया फॉर, इफ ही हैज बीन कमिंग टू इंडिया फॉर 110 डेज इंस्टेड ऑफ 100 डेज. If he has been coming to India for 110 days instead of 100 days, अब ऑर्डिनरली हो जाएगा ये कैसे? बिल्कुल, क्योंकि जो सेकेंड एडिशनल कंडीशन है उसमें 770 आ जाएगा. अब ये 110 into 7 comes out to be 770. तो इसका मतलब अब दूसरी एडिशनल भी पास हो जाएगी, और ये पर्सन कौन हो जाएगा? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया. इज दिस पार्ट क्लियर? यस और नो? ग्रेट. यस, जस्ट स्क्रीन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिसेस क्लिंटन, कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिसेस क्लिंटन, कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिसेस क्लिंटन
इफ शी वॉज इन इंडिया फॉर कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिसेस क्लिंटन इफ शी वॉज इन इंडिया फॉर इफ शी वॉज इन इंडिया फॉर 130 डेज 73 डेज इफ शी वॉज इन इंडिया फॉर 130 डेज 85 डेज 192 डेज 73 डेज 28 डेज 200 डेज 153 डेज एंड 73 डेज इन द ईयर 2014-15 In the year 2014-15, 15-16. In the year 2014-15, 15-16, 17-18, 14-15 पहला साल, 15-16 दूसरा, 16-17 तीसरा, 17-18 चौथा, 18-19 पांचवा, 19-20 20-21 एंड 21-22 रिस्पेक्टिवली एंड 21-22 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन खत्म हो गया है, सॉल्व कर लीजिए अब इनको। इनका नाम क्या है जी, नाम क्या है बच्चे इनका? मिसेस क्लिंटन। कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिसेस क्लिंटन। कैलकुलेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिसेस क्लिंटन फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। ये डेज हमने लिख लिए, इसको सॉल्व कर लें क्या पहले? अब आप नोट मत करिएगा। देखिए यहाँ पर पहला बेसिक कंडीशन पास या फेल, हाँ जी 73 डेज वाला पास या फेल, फेल। दूसरा बेसिक चेक करते हैं क्या यहाँ 60 एंड अबव है। इन चार सालों का सम क्या 365 एंड अबव बैठ जाएगा? यस। तो ये कौन हो गई, कौन हो गई, ये रेजिडेंट हो गए। फर्दर क्वेश्चन सॉल्व होगा और हमें पता करना है ये ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ठीक, यहाँ पर चेक करिए पहला बेसिक पास या फेल, फेल। दूसरा बेसिक चेक करिए यहाँ पर 60 एंड अबव है, उससे पिछले चार सालों का सम क्या 365 एंड अबव है? यस, रेजिडेंट हो गए। और जो 1920 है ये तो 182 डेज वाली सीधी सीधी कंडीशन पास कर देते हैं और ये रेजिडेंट हो जाते हैं। कोई डाउट है? तो पहली एडिशनल पास हो गई। दूसरी एडिशनल के लिए इन सात सालों का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसका सम बताइए कितना आ गया, इसका सम देखिए कितना आ गया। सेवन थर्टी से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो ये सिर्फ रेजिडेंट नहीं है मिसेस क्लिंटन, कौन है ये? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा। इज दिस पार्ट क्लियर? कोई डाउट? ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इंडिविजुअल का, तो 100% आपको क्वेश्चन आता ही है रेजिडेंशियल स्टेटस में, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे।
ये 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर 3 कैटेगरी हैं सेम क्वेश्चन की। 5 नंबर में आएगा तो सिर्फ थ्योरी लिख देंगे कि बेसिक कंडीशन 1 फुलफिल हुई है, 2 नहीं हुई, एडिशनल ये हुई है ये नहीं हुई, बस 1 और 2 बस। पर अगर यही क्वेश्चन 10 या 15 नंबर में आता है तो आप ये भी बताएंगे कि बेसिक कंडीशन 1 क्या होती है, 2 क्या होती है, एडिशनल 1 क्या होती है, एडिशनल 2 क्या होती है, ये भी फिर आपको बताना है। इसके लिए जरा थ्योरी बना के देखो क्या बन रही है आपसे, इसके लिए थ्योरी बना के देखो 5 नंबर में ही सिर्फ, क्या थ्योरी बन रही है आपसे, और लिख के जरा सुनाना मुझे क्या लिखा है। थ्योरी बनाइए इसके लिए। क्या लिखेंगे हम पहली लाइन, सिंस मिसेस क्लिंटन हैज फेल्ड टू सेटिस्फाई दी, सिंस मिसेस क्लिंटन हैज फेल्ड टू सेटिस्फाई दी फर्स्ट बेसिक कंडीशन बट सेटिस्फाइड दी सेकेंड बेसिक कंडीशन कॉमा Therefore, she is resident in India. Paragraph change करेंगे, Now we have to check whether she is ordinarily resident or not ordinarily resident in India. In this case, since she has satisfied both the additional conditions, comma, therefore she is resident and ordinarily resident in India. समझ आ गया जी? हाँ जी जसक्वीन, कोई डाउट बेटा? राइट, हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, बड़ा छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। लास्ट ईयर दीपावली कब की थी, कोई बता सकता है अंदाज़ा? नवंबर, मिड नवंबर, तो मान लेते हैं 14 नवंबर बाल दिवस था, चिल्ड्रंस डे उसी दिन थी, है ना? तो क्वेश्चन लिखिए, 2020 में थी, आपका बर्थडे आता है उस दिन, याद है? अरे क्या बात, बड़े खतरनाक दिन थे वो, है ना? कब? 4 नवंबर, ठीक है, लिखिएगा। Calculate residential status of Mr. X for the assessment year 22-23 if
ही केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 इफ ही केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 4th November 2021 फॉर 200 days. If he came to India for the first time on 4th November 2021 for 200 days, solve करिए. छोटा सा question है. 200 दिन के लिए वो इंडिया आए हैं. 182 days वाली पहली condition ही fulfill हो जाए. जेस्क्वीन इसका आंसर आप बताएंगे. रेजिडेंट है क्योंकि बेसिक कंडीशन वन फुलफिल हो गई और टू ओके. तो इसलिए रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरली है. ओके चलिए और से पूछते हैं. हाँ जी कृतिका आपका आंसर क्या है. जी जी हाँ जी क्रिश आपका कैसे हुआ है ना भाई. पर वो तो 200 दिन के लिए आया है इंडिया. बिल्कुल परफेक्ट आंसर है. ये 4 नवंबर को आया है पर हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो 31 मार्च तक के लिए होंगी. तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कितने दिन इंडिया में है. कितने दिन है. 148 डेज है क्या इंडिया में. नवंबर में कितने दिन लिए हैं बच्चे. नवंबर में 27, दिसंबर 31, जनवरी 31, फेब में 28 और मार्च में 31. ही वॉज इन इंडिया फॉर 148 डेज. तो पहला बेसिक फेल. दूसरा बेसिक भी फेल हो गया क्योंकि पहली बार इंडिया आया है. 60 तो है पर 365 वाला नहीं है. तो दोनों बेसिक फेल हो गए तो पर्सन एनआरआई हो गया है. हाँ जी जसक्वीन. दोबारा बताओ क्या बोला आपने. बेटा जो हमें कैलकुलेशन करनी होती हैं वो तो 4 नवंबर से 31 मार्च 2022 तक करनी है ना. जब मार्च 22 तक देखेंगे तो 148 डेज बैठेंगे. चाहे वो आया 200 दिन के लिए तो इसका मतलब जो बाकी के दिन है वो तो अगले फाइनेंशियल ईयर में है. Are you getting it? Right. जी कोई डाउट है. समझ आ गया. अच्छा अब इसकी दो एक्सेप्शंस हैं. क्या हैं. दो एक्सेप्शंस हैं. दो एक्सेप्शंस हैं. दो एक्सेप्शंस में हम क्या करते हैं. सिर्फ और सिर्फ पहली बेसिक चेक करते हैं. दूसरी नहीं चेक करते. सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक के बेस पर ही हम डिसीजन दे देते हैं
सेकंड बेसिक तक हम नहीं जाते हैं। तो पहली बेसिक पास हो गई तो पर्सन कौन है? रेजिडेंट। पहली बेसिक फेल तो नॉन रेजिडेंट, सीधा सा केस। और अगर रेजिडेंट है तो फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दोनों एडिशनल पास हो जाए तो ऑर्डिनरली रेजिडेंट, अदरवाइज एनआरआई। वो एडिशनल कंडीशंस दो, बेसिक कंडीशन सिर्फ एक, ये रहता है दो एक्सेप्शंस के केस में। एक्सेप्शन क्या है? एक पर्सन नौकरी के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर्पजेस से इंडिया से बाहर जा रहा है, आज ही जा रहा है, पहली बार जा रहा है, और गया कब है वो गया है मान लेते हैं 1 जुलाई को गया है। ध्यान से सोचना, 1 जुलाई को जब वो इंडिया से बाहर जाएगा, कितने दिन इंडिया में है भाई? अप्रैल, मई, जून, लगभग 90 दिन इंडिया में है, वो 90 डेज के आसपास, उससे पहले कभी इंडिया से बाहर गया नहीं, तो बेसिक कंडीशन नंबर 2 फुलफिल हो जाएगी। जब फुलफिल हो गई, उससे पहले कभी इंडिया से बाहर गया नहीं था, एडिशनल भी फुलफिल हो जाएंगी, दोनों एडिशनल भी फुलफिल, बेसिक कंडीशन नंबर 2 भी फुलफिल, पर्सन हो जाएगा आरओआर, और टैक्स लायबिलिटी कहाँ राइज होगी? सरकार ने कहा जो पर्सन इंडिया से बाहर जा रहा है नौकरी करने के लिए, तो वहाँ पर जब जॉब करेगा तो इंडिया में अपने रिश्तेदारों को, फैमिली मेम्बर्स को पैसा भेजेगा, फॉरेन रिजर्व भेजेगा, हाँ या ना? और अभी तो 3 महीने बाद ही गया है, और उसको आपने ऑर्डिनरली रेजिडेंट प्रूव कर दिया, और उससे सारे टैक्स इंडिया में ले लोगे, तो बंदा कितनी गालियाँ देगा, हाँ या ना? अब उसके लिए अगर उसको एक्सेप्शन में डाल दें और सेकेंड बेसिक चेक ना करें, तो बताओ कौन हो जाएगा? एनआरआई। एनआरआई होगा तो टैक्स इंडिया में नहीं बनेगा, खुश रहेगा और इंडिया पैसा भेजता रहेगा। बात समझ आ गई? तो सरकार ने कहा अगर कोई भी पर्सन एम्प्लॉयमेंट पर्पजेस से इंडिया के बाहर जा रहा है, या एज अ क्रू मेंबर है इंडियन शिप पर और इंडिया के बाहर जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आप सेकंड बेसिक कंडीशन चेक नहीं करेंगे, सिर्फ क्या चेक करेंगे? फर्स्ट बेसिक। और नॉर्मली फर्स्ट बेसिक के बेस पर डिसीजन क्या आएगा? एनआरआई, टैक्स नहीं बनेगा, रेजिडेंट नहीं होगा, बंदा खुश रहेगा। बात समझ आ गई? पहला एक्सेप्शन क्लियर है, क्यों है ये समझ आ गया। दूसरा एक्सेप्शन है, एक मिस्टर सुखविंदर हैं जो कनाडा में रहते हैं। मिस्टर सुखविंदर इंडिया के, पंजाब के बंदे हैं, रहते कहाँ हैं? कनाडा में रहते हैं। उनके दादा दादी, मम्मी पापा अभी भी यहाँ पंजाब में हैं, सिस्टर हर साल फैमिली से मिलने के लिए आते रहते हैं। 2 महीने की वहाँ सर्दियों में छुट्टियाँ पड़ती हैं, वो इंडिया ही बिताते हैं, साथ में 2 महीने और लगभग घूमने फिरने आते रहते हैं वो, ठीक है जी। अगर उस बंदे के ऊपर सेकेंड बेसिक कंडीशन लगवा दो, मिस्टर सुखविंदर के ऊपर, जो कहाँ का बंदा है? इंडिया का, सेटल कहाँ है? कनाडा में, और इंडिया घूमने के लिए आ रहा है, उस पर सेकेंड बेसिक कंडीशन लगाओगे, तो बताओ रेजिडेंट प्रूव हो जाएगा? वो हो जाएगा आसानी से। जब रेजिडेंट प्रूव हो जाएगा, टैक्स लायबिलिटी कहाँ राइज होगी? हर साल 2 महीने तो सर्दियों की छुट्टियों में आता है, 2 महीने वैसे बिता जाता है, जब भी इंडिया आएगा जाएगा, इंडिया में काउंट करोगे, बीच बीच में आएगा, इंडिया में काउंट करोगे, टोटल डेज लगभग 100-120 दिन के आसपास बैठ जाते हैं उसके, तो वो किसी भी तरीके से दूसरी बेसिक कंडीशन से रेजिडेंट प्रूव हो जाएगा, हाँ या ना? जब वो रेजिडेंट प्रूव हो जाएगा, उसने इंडिया में तो कुछ कमाया ही नहीं, वो सिर्फ घूमने फिरने के लिए आता है, अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आता है, और इंडिया पैसा भी भेजता है पेरेंट्स के पास, मम्मी पापा के पास, और आप उसको रेजिडेंट बना रहे हो। जब आप उसको रेजिडेंट बनाओगे, कितनी गालियाँ देगा? बगैर पैसा कमाए इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा जी ठीक है, हमें ये बात समझ आ गई, इस बंदे के लिए भी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। किसके लिए? तो जो पर्सन इंडियन ओरिजिन का हो, किसका हो? इंडियन ओरिजिन का पर्सन हो, इंडिया के बाहर सेटल हो और इंडिया घूमने आ रहा हो, उसके लिए क्या करेंगे हम? सिर्फ फर्स्ट बेसिक चेक करेंगे, ये एक्सेप्शन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है बताओ? तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर सेटल हो और इंडिया आ रहा